हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने बुधवार को करवा चौथ का व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना की। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल निराहार रहकर रात में चांद को अर्घ लगाया। चंद्र दर्शन के बाद चौथ माता की कथा का श्रवण कर पति के हाथ से पानी पीकर अन्न ग्रहण किया। चांद को देखने के लिए महिलाएं रात 9 बजे से ही छतों पर गई थी। चंद्रमा के नजर आने के साथ ही हर ओर छतों पर महिलाओं की भीड़ दिखी। इसके बाद मिट्टी से बने करवे से चांद को अर्घ दिए गए। अर्घ के बाद छलनी में पति का मुंह देखकर उन्हीं के हाथ से पानी ग्रहण किया। सुहागिनों ने दीवारों पर चौथ माता की तस्वीर बनाकर चौथ माता की सफेद पुष्प, गंध अक्षत, कुमकुम, हल्दी, श्रीफल, सिंदूर तथा दीपक से आरती की। करवा चौथ को लेकर सुहागिन महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसको लेकर आज सुहागिन महिलाओं ने पूरा दिन निर्जल रहकर उपवास रखा। वहीं देर रात जब चांद निकला तब पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं ने अपने पति के हाथों से पानी पीने के बाद व्रत को खोला। और आज करवा चौथ का व्रत था और महिलाएं अखंड सौभाग्यवती बहु का वर प्रदान करते हैं करवा चौथ माता, इसलिए वो शुभकामना पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए ये व्रत करती है। और इस दिन बिना पानी से व्रत स्टार्ट होता है। ये साल में एक बार ऐसे उत्साह इतना मतलब अच्छा होता है कि तीज एक बड़ा तीज के जैसा मनाया जाता है इसको। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।